क्या हाल हैं आपके? कैसे हैं आप सब? और यहाँ मदीने में बारिश हो रही है। ये कुछ दिन पहले की वैसे तो क्लिप्स हैं, तो मैं आपको दिखाऊं। फजर का वक्त था इस वक्त और बारिश हो रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। जबकि ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही थी, गरज ज़्यादा थी और बरस कम थी, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। तो फिर हम लोग बाहर निकल गए। हमने सोचा कि हरम का थोड़ा जो है ना वो नज़ारा लेकर आते हैं, और देखें कितना खूबसूरत, कितना वसी लग रहा है सब कुछ। और सामने बिल्कुल देखें आप, हरम शरीफ है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, मदीना मनवरा की मस्जिद। और लेफ्ट साइड पे जन्नतुल बकी है, आप देख रहे होंगे। ये जो जाल वाली दीवार है सारी, ये जन्नतुल बकी है। और सामने सारे मीनार मस्जिद के आपको नज़र आ रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर हम घर आ गए। वैसे तो बहुत दिल था कि बाहर से कोई नाश्ता करें, हलवा पूरी वगैरह का, लेकिन कोविड की वजह से तमाम अच्छे बड़े रेस्टोरेंट्स बंद हैं और छोटे मोटे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। तो एक दो दफ़ा हमने वहाँ से लेके कुछ ना कुछ खाया है, तो गला वगैरह पकड़ा जाता है, तो हमने बेहतर समझा के घर ही जाके कुछ नाश्ता करते हैं। तो मैं यहाँ बना रही हूँ ऑमलेट, और ऑमलेट बन रहा है जिशान के लिए। साथ में पराठा लेंगे वो, और मैं फ्राई एग लूँगी, ठीक है, पराठे के साथ ही। और देखिए मुँह में पानी आने लग गया। अब मैं यहाँ बना रही हूँ पराठा, और आज मैं बना रही हूँ पराठा अपनी भाभी के स्टाइल में, क्योंकि वो अक्सर इस तरह से पराठा बनाती हैं। मेरा थोड़ा चेंज स्टाइल है, लेकिन ये है कि जिस तरह से भाभी ने बताया है, बहुत माशाल्लाह अच्छा और मज़ेदार और क्रिस्पी बनता है और ईजी भी होता है। तो इसको मेरे ख़्याल से पता नहीं अजीब सा ही नाम है इसका कोई, तो बहरहाल इस तरह से ये बनता है। बीच में सेंटर में इसके जो है ना होल कर देते हैं, और मैं जैसे कि अब बना रही हूँ, और देखिएगा कितना मज़ेदार क्रिस्पी पराठा बनेगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पराठे थोड़े बड़े होते हैं, तो वो एक ही इनफ हो जाता है एक इंसान के लिए। ज़ाहरी बात है, इतना बड़ा पराठा हो जाता है। तो कोशिश मेरी होती है कि छोटा पराठा बना लूँ, लेकिन मुझसे पता नहीं क्या बात है, नहीं बनता, बड़ा हो जाता है। तो अब हम करेंगे नाश्ता, साथ गरम गरम चाय पियेंगे, और नमक वाला मज़ेदार सा पराठा और अंडा एंजॉय करेंगे। आप लोग भी करें नाश्ता, अगर आप लोगों के पास नाश्ते का टाइम है तो। और आज बहुत सारे काम हैं मुझे। आज हमने दो तीन जगहों पे घर देखने जाना है, जैसे कि बहुत अरसे से मैंने एक गर्दान बांधी हुई है कि हमने घर चेंज करना है। तो बस वो वक्त फाइनली आ गया है, अब हमारे पास थोड़े से ही दिन है घर बदलने के लिए। तो आज हमने जिशान ने बात की है डीलर से, तो दो तीन घर उन्होंने कहा है, तो हमने सोचा कि अब हम निकलेंगे। तो मेरा रोज़ रोज़ बाहर निकलना नहीं होता, और जिशान भी ज़ाहरी बात है जॉब की वजह से शाम तक आते हैं जब, तो बहुत थक जाते हैं। तो मैंने कहा कि एक ही दिन में दो तीन घर देख लेते हैं, और कोशिश तो यही होगी कि ज़्यादा ना खपना पड़े, ज़्यादा घरों को ना देखना पड़े, एक ही दफ़ा में हम कुछ जल्द ही पसंद आ जाए। तो लेकिन ये होता है कि फिर हमने लॉन्ग टाइम के लिए रहना होता है, तो कोशिश होती है कि सारी चीज़ें सही ही हो। तो जिशान साहब गाड़ी में बैठ चुके हैं, और मैं एज़ यूजल पीछे पीछे उनके गाड़ी की तरफ ही जा रही हूँ। इस वक्त तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम है, और ये जो शॉपर आपने मेरे हाथ में देखा है, इसमें हमने कुछ पानी और ड्रिंक्स वगैरह रखी हैं, क्योंकि पता नहीं कब तक हमें खजल ख्वार होना पड़े। ये बाहर पौधे वगैरह इन्होंने ही लगाए हुए हैं, ये जिनकी जो फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, तो वो हारिस को हम बोल देते हैं, और सब ने थोड़े बहुत पैसे डाले थे, तो ये पौधे वगैरह यहाँ लगा लिए। अच्छा जी, तो जो घर हम अब तराश करेंगे वो हम शहर की तरफ देखेंगे, वो इसलिए कि जिशान का ऑफिस भी उससे नज़दीक हो और तमाम मार्केट्स वगैरह भी उससे नज़दीक हो। जो घर अभी जिसमें हम रह रहे हैं वो शहर से थोड़ा सा हटकर है, तो जगह तो बहुत अच्छी पुरसकून लगती है, लेकिन फिर ये होता है कि आप ना बहुत ज़्यादा तंग होते हैं बहुत चीज़ों से, जैसे कि हमारा इंटरनेट है, जैसे कि हमारा कोई घर में डिलीवरी नहीं आती है, कोई टैक्सी वगैरह कुछ भी नहीं मिलती। समटाइम होता है कि जिशान बिजी हैं तो मैं ही कहीं चली जाऊँ, तो मैं नहीं जा पाती। और ये एक घर हमने देख लिया, और दूसरे के लिए इस वक्त हम इंतज़ार कर रहे हैं। पहले वाला घर हमें कुछ बेहतर लगा है, पसंद आया है, और सेकंड के लिए हम वेट कर रहे हैं। और मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो इसलिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। अब फाइनली उसने हमें बताया है कि चाबी साथ ही लगी हुई है, तो जाके खुद ही देख लें। और
और ये सामने जो इतना वसी एक पहाड़ है आप देख रहे होंगे, ये मदीने की खूबसूरतियों में से एक खूबसूरत तरीन जगह है। ये ओहद का पहाड़ है जहाँ, इसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा, हमारे नबी का फरमान है कि ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। और इसके अलावा इसके लिए नबी ने फरमाया कि ओहद हमसे प्यार करता है और हम ओहद से, तो बहुत प्यारी जगह है। हमारा तो यहाँ से गुज़र बसर होता है, ज़ायरीन जो आते हैं वो यहाँ ज़रूर ज़्यारत करके जाते हैं। बस ये है कि थोड़ा बिद्दत का हमें ख्याल रखना चाहिए, जैसे हम एशियंस की आदत है कि हम चूमते हैं, मिट्टी ले लेते हैं इसकी, या हम पत्थर उठा लेते हैं, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी सबका अपना अपना दीन ईमान है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत मकामात पे जबल ओहद का ज़िक्र है, गज़वे ओहद का ज़िक्र है। लेकिन आप कोई भी बात करने से पहले, चूँकि बहुत सेंसिटिव मामला होता है और इस्लाम की बात है, तो आप फिर बहुत सोच समझ के, एटलीस्ट मैं बहुत सोच समझ के बात करती हूँ कि कहीं मेरी वजह से किसी को कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए और उन तक कोई बात, मतलब उनको मैं मिसगाइड ना कर दूँ। एनीवे बाकी सबका अपना मानना है। और यहाँ मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, बहुत सख्त हमें भूख लग गई है, तीसरा घर अभी हमने देखना है और हम लोग जो है ना यहाँ पे ताजिज पे रुक गए हैं। तो कोरोना की वजह से ऑर्डर हमें बाहर ही देना पड़ता है। इस दरवाज़े के बिल्कुल सेंटर में उन्होंने एक चेयर और टेबल रख दी है और एक ताजिज वालों का ही एक आदमी है जो वहाँ खड़ा होकर आपसे ऑर्डर लेता है, अंदर नहीं जाने देते। तो इसलिए हमें वहाँ काफ़ी टाइम लग गया और फिर बहुत भूख थी तो हमने गाड़ी में ही खा लिया खाना। ये तीसरा घर है और आज के दिन का फाइनल घर जो हमने देखा है, जो सबसे पहला घर है वो हमें कुछ समझ में आया है, बाकी दूसरा तो ऑलरेडी चढ़ गया हुआ था। और ये तीसरा है, इसकी भी कोई एक अलग अनोखी स्टोरी है जो हम आइसक्रीम खाने के बाद आपको सुनाएंगे। तो चलें देखिए हम क्या फ्लेवर्स इन्जॉय करने लगे हैं आइसक्रीम के। ये अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं, तीसरा घर में देख लिया है, वो आपको मैं आगे चल के आपको डिटेल देती हूँ उसकी। तो ये आइसक्रीम वैन खड़ी भी थी, दूर से ही नज़र आ जाती है इसकी लाइटिंग की वजह से, तो हमने सोचा कि आइसक्रीम खाते खाते घर चलते हैं, बस घर हमारा तकरीबन नज़दीक ही है। तो अब हम लेंगे यहाँ से आइसक्रीम और उसको इन्जॉय करेंगे। और जो तीसरा घर देखा है वो बहुत खूबसूरत, बिल्कुल नया बना हुआ था। तो जो उस घर के लैंडलॉर्ड है वो ऊपर रहते थे टॉप पे, तो वो फिर हमें कह रहे थे कि आप घर देख लें और देखने के बाद जो है ना इसका दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा और लाइट्स ऑफ करके चले जाइएगा क्योंकि हम भी कहीं जा रहे हैं। तो हम देखने के लिए गए तो वहाँ ना दरवाजे थे तो ना लाइट्स थी, तो फिर हम बाहर ही आ गए और हम लोगों ने, क्योंकि उसके घर का काफ़ी काम अभी पड़ा हुआ था, अदरवाइज़ घर बहुत अच्छा बन रहा था और हमारे पास इतना टाइम नहीं है उसके इंतज़ार के लिए, तो बस फिर हम निकल पड़े। इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों देखते हैं कुछ और घर, उसके बाद हम फाइनल करेंगे, क्योंकि इतना डेली निकलना और फिरना बहुत मुश्किल है। और रफली हमें समझ तो आ गई है कि मदीने में किस टाइप के घर होते हैं और उसके रेंट्स क्या होते हैं, तो बस हम उसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे। नेसेसरी चीज़ें होनी चाहिए जैसे कि पानी का, कई सऊदीया में कई शहरों में कई इलाकों में पानी का प्रॉब्लम होता है और कहीं पे बिल्कुल ठीक पानी सरकारी आता है, कहीं पे टैंक फुल करवाने पड़ते हैं, तो ये नेसेसरी चीज़ें इनका ध्यान करना पड़ेगा। तो बस ये चीज़ों का हम ख्याल करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं रहीं तो अच्छा घर हमें मिल ही जाएगा। और आइसक्रीम को हर एंगल से देख रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने मेरी एक आदत है जब मैं आइसक्रीम का ऑर्डर करती हूँ तो मैं सारे फ्लेवर्स डलवाती हूँ। ठीक है, तो घर हम पहुँच गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए ब्लॉग के साथ। आज मेरा ब्लॉग काफ़ी लंबा है तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बोर नहीं होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।